गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद आप सभी को, मेरा बहुत सारा प्रेम। प्रश्न है कि भगवान है इसका क्या प्रमाण है? बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले तो मैं आपको उत्तर दूंगा कि आप ही इसके प्रमाण हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। जब ईश्वरीय सत्ता आपके अंदर से निकल जाती है तो आप पंचभूत पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, और इन पंच तत्वों को बनाने वाला अग्नि बनाया, पवन बनाया, जल धरती आकाश जी, ऐसी प्रभु की माया जानिए। तो ये अग्नि, पवन, जल, धरती, आकाश, ये सब उसने बनाया है और ये सब उसके प्रमाण हैं कि यही सब प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर है। परंतु हमें समझ नहीं लगता कि कहाँ है, कैसे है। ईश्वर की सत्ता सर्वत्र है और ईश्वर के अधीन हर जीव है, परंतु मनुष्य अहंकार के अधीन होकर के ईश्वर तत्व से दूर हो जाता है। परमात्मा है, जैसे आप हैं वैसे ही परमात्मा है। आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं तो वैसे ही आप ईश्वर को भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, यह सारा चराचर ईश्वरमय है और परमात्मा है। ये प्रमाण आपको सूरज से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है, धरती से मिलता है, आकाश से मिलता है। ये सब अपने अपने समयानुसार अपने कार्य को करते हैं और ईश्वरीय शक्ति से युक्त होने के कारण ही इनकी सारी गतिविधियाँ हैं। वह ईश्वर हम सभी में व्याप्त है और वही ईश्वर निराकार होता है, साकार होता है। अब परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अब यहाँ उत्तर है कि रात में चलने के लिए तो टॉर्च चाहिए ना, अंधेरे में कैसे दिखाई देगा? आदमी गिर जाता है, कांटा चुभ जाए, जीव जंतु काट ले, इसीलिए टॉर्च लेके चलते हैं। अज्ञान का नाम है अंधेरा और ज्ञान का नाम है उजाला। इस अंधकार रूपी जगत में ज्ञान रूपी टॉर्च, प्रकाश की जरूरत है। जब उसको लेके आप चलेंगे तो ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति, योग, ज्ञान, सत्कर्म, ये सभी हमें ईश्वर के तरफ ले जाते हैं। जब हम ईश्वर के तरफ जाते हैं, ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे अंदर आनंद आने लगता है। ये भी प्रमाणित करता है कि ईश्वर है। ईश्वर सर्वत्र है, सदैव है और सबके अंदर है, इसलिए उसे देखने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है और वह ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, गुरु कृपा आशीर्वाद।